इंदौर नगर निगम द्वारा एपी रोड स्थित निर्माणाधीन इमारत के अवैध निर्माण पर आज सुबह सुबह बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में निगम के कुल 150 कर्मचारी, 4 पोकलेन मशीन, 5 जेसीबी मशीन द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंदौर नगर निगम द्वारा इन दिनों विभिन्न भवनों के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अल सुबह जोन क्रमांक 8 एबी रोड स्थित इंडस्ट्रीज हाउस के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग में अवैध रूप से निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग पर निगम का बुलडोजर चला और रिमूवल की कार्रवाई की गई। बता दें कि यह बिल्डिंग बिल्डर नीलू पंजवानी द्वारा बनाई गई थी, जिस पर कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन बिल्डर पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। एबी रोड पर ओनम प्लाजा के सामने निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग में पार्किंग फ्लोर के ऊपर प्रथम तल पर 1.2 मीटर की बालकनी से फ्रंट एमओसी के तल तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दुकान के सामने फ्रंट में पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर आगे के खुले भाग पर अतिक्रमण किया गया, जिससे पब्लिक स्पेस खत्म हुआ, जिससे सामान्य जन को आवागमन में असुविधा होगी। इसके साथ ही पहले तल की छत की ऊंचाई को कम करके स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन किया गया। वहीं जोन क्रमांक 8 में अधिकारियों की नाक के नीचे कई अवैध नक्शे के विपरीत युक्तिकरण किए हुए निर्माणाधीन इमारतें आकार ले रही हैं। तेईस ओल्ड बलासिया है, इसमें लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के ब्लॉक पर निर्माण किया गया है। इसमें कुछ समय पहले आदेश किया गया था। आदेश करने का पर्पस ये था कि इस बिल्डिंग में जो हाइट है, स्वीकृत हाइट, वो 12.5 मीटर की है। 12.5 मीटर के ऊपर लगभग 7 से 8 मीटर पर एक 8 मीटर तक की ऊंचाई पर 2-3 फ्लोर के लगभग एक साथ निर्माण किया गया था, जो कि इल्लीगल निर्माण है। साथ में जो किसी बिल्डिंग में फ्रंट एमओएस पूरी तरह खाली होना चाहिए, इस बिल्डिंग के फ्रंट एमओएस में बहुत सारी सीढ़ियाँ लाई गई थी। और सीढ़ियों का जो पर्पज़ था वो फर्स्ट फ्लोर को सीधे ग्राउंड फ्लोर से कनेक्ट करने का था, जो पूरी तरह गलत है। जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो अंदर से रास्ता होता है, फ्रंट से रास्ता नहीं होता है। तो फ्रंट एमओएस में निर्माण किया गया था वो गलत था। साथ ही जो सेटबैक की ज़मीन है जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं, उस सेटबैक पर भी काफ़ी कॉन्क्रीट से इल्लीगल निर्माण किया गया था। ये सभी इल्लीगल निर्माण पर बिल्डर को लगातार नोटिस और आदेश की कार्रवाई की गई थी। कई बार समय देने के पश्चात भी चूंकि बिल्डर के द्वारा इल्लीगल निर्माण को नहीं हटाया गया, अतः उस इल्लीगल निर्माण को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। किसकी पूरी प्रॉपर्टी? 22-23 ओल्ड प्लासिया, इसमें नीलू पंजवानी है, बायती है, और इनके द्वारा निर्माण किया गया है और इन्हीं को इल्लीगल निर्माण हटाए जाने के लिए आदेशित किया गया है।